अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कड़कनाथ मुर्गी पालन बिल्कुल नए तरीके से कम लागत में करें और जो है कमाए तगड़ा प्रॉफिट। बहुत सारे किसान भाई जो है कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू करना चाह रहे हैं और उन्हें जो है इस आइडिया का जो है ज्ञान नहीं है। ये आइडिया मैं आज लेकर के आया हूँ नया। इस तरह अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। निकले कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप इस तरह पालन करते हो तो ज़रूर कमा पाओगे अच्छा प्रॉफिट। जो भी भाई कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू करना चाहता है, उसे इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कर सकता है, और जिस भी भाई को चिक्स लेना हो तो भी संपर्क हमसे कर सकता है। वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर है। कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं तो इस तरह करें पालन जिससे ज़्यादा माल एक साथ तैयार ना हो और माल की जो है कमी कभी ना हो। 12 महीने आपके पास जो है कड़कनाथ मुर्गा तैयार होगा। लागत में भी देखिए, अभी अगर आप जो है 500 या 1000 मुर्गे का पालन शुरू कर रहे हैं, अगर 1000 मुर्गे का पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो देखिए, पहले आप जो है एक जो है 300 बच्चा लें 30 दिन का, एक महीने का बच्चा 300 पीस ले लें, जिससे कि जो है एक महीने का बच्चा जो है 30 दिन का लेंगे तो वो अगले तीन महीने में तैयार हो जाएगा। उसी दिन आप जो है 15 दिन का चूज़ा ले लें, 15 दिन का चूज़ा ले लें 300, एक दिन का चूज़ा ले लें आप 400, ये 3 लाट तैयार करें आप। 30 दिन का, 15 दिन का, एक दिन का, 3 लाट तैयार करें। 300 जो है आपका 30 दिन का हो गया, 300 आपका 15 दिन का हो गया, 400 जो है एक दिन का हो गया। जो 30 दिन वाला है वो जो है अगले आपके 3 महीने में तैयार होगा। आपके जो 3 महीने में तैयार हो गया उसको बेचना आप शुरू करें। 300 चूज़ा आप बेच लेंगे 15 दिन में, 15 दिन में आप 300 चूज़ा बेच लेते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है 15 दिन वाला जो तैयार हो जाएगा, फिर वो 300 आप बेच लीजिए। उसके बाद जो है फिर अगले 15 दिन बाद जो है आपका जो है एक दिन वाला तैयार हो जाएगा। इस तरह आप जो है लॉट डालते रहें, एक एक लॉट डालते रहें हर 15 दिन पर, और 15 दिन पर बेचते रहें, जिससे कि जो है आपके जो है माल कभी कमी ना हो। आपके पास 12 महीने माल तैयार होगा और जो है माल का स्टॉक नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्ट 1000 मुर्गा पाल लेते हो तो 1000 मुर्गा पालना और 15 दिन में 1000 मुर्गा, 15 दिन एक महीने में बेचना मुश्किल बात है, क्योंकि जो है इसकी मार्केट है नहीं। और बहुत से लोग जो है सोचते हैं लाओ डाल लें जो है इतना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के चक्कर में लालच में आ जाते हैं। लालच की वजह से जो है 1000, 2000, 3000 मुर्गा पाल लेते हैं और इकट्ठा बेच नहीं पाते हैं। ये मुर्गा जो है इकट्ठा जो है बिकना मुश्किल है, जो है बिक सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है इकट्ठा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको पास जो है कोई पार्टी मिल जाएगी जिसे 1000, 2000, 5000 पीस चाहिए तो वो आपसे ख़रीद लेगी। लेकिन जो है अगर आपकी जो है किस्मत अच्छी ना हुई तो ये माल स्टॉक में लग जाएगा। आपके पास जो है 1000 चूज़ा है तो उसमें 200-300 पीस आपने बेचा 10-15 दिन में, जो है उसके बाद जो है और फीड खाता गया, आपकी लागत बढ़ती जाएगी और जो है धीरे धीरे बिकता जाएगा, लागत भी बढ़ जाएगी जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप वही 3 लॉट में तैयार करते हो तो लागत भी कम रहेगी और माल भी बिकता रहेगा, स्टॉक भी ज़्यादा नहीं होगा, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी। 3 जो है पार्टीशन करने होंगे और अलग अलग दाना पानी करना होगा तीनों का। आइए अब बात करते हैं इसकी फीडिंग का। अब फीडिंग में क्या खिलाएं आप जिससे कि लागत कम आए। देखिए आप जो है एक महीने तक आप इसको स्टार्टर या प्री स्टार्टर खिलाएं, उसके बाद आप जो है ग्रोवर का फीड खिलाएं। 3 महीने आप ग्रोवर का फीड खिला दीजिए, जो है ये तैयार हो जाएगा 4 महीने में 1 किलो का। इसके साथ साथ आप जो है 30% जो है हरी सब्ज़ी खिला सकते हैं। हरी सब्ज़ी जो है जैसे कि जो है मार्केट में जाइए, सब्ज़ी मार्केट जो होती है वहाँ पे जो कुछ सड़ी सब्ज़ी होती है 100-200 रुपए में 1-2 कुंटल सब्ज़ी मिल जाती है। आप जो 100-200 रुपए की जो सब्ज़ी लिया ये 1-2 कुंटल हो जाएगी तो 2-3 दिन की जो है आपकी सब्ज़ी हो जाएगी एक दिन में। आप जो है 30% हरी सब्ज़ी खिलाइए एक महीने के होने पर। एक महीने के बाद जब एक महीने का चूज़ा हो जाए तो 30% हरी सब्ज़ी खिलाइए, 70% आप फीड खिलाइए, इससे आपकी लागत कम हो जाएगी। और जो है अगर आपके पास खुली जगह है तो इसे खुला चरने के लिए छोड़ दीजिए, ये अपना खाना खुद ही ढूंढ लेगी, जो है जो भी ज़मीन में पड़ा रहता है चुन लेती है। तो इस तरीके आप इसका पालन करें जो है, तो इससे आपकी जो है लागत जहाँ 250 आनी है 200 आनी है तो वहाँ 150 आएगी, आपकी लागत भी कम हो जाएगी और जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस तरह आप इसका पालन करें
जिससे कि आपको जो है अच्छा प्रॉफिट हो। जो है ये बिल्कुल नया तरीका है, अगर आप इस तरीके पालन करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी।